कवर डालने के बाद कुछ इस तरह दिखती है चाबी। अगर मैं अच्छे तरीके से बताऊं, इस तरह का है ये कवर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने अपनी कार टाटा टियागो XT मॉडल पे कितनी कितनी एसेसरीज लगाई है एंड कितनी एसेसरीज पे पैसा खर्च किया है। तो बताता हूँ आपको, पहले मैं एक बार बता दूँ आपको, गाड़ी में जो है वो मैंने एज सच कोई खास एसेसरीज नहीं लगाई है। एक्चुअली खास तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैंने एक्चुअली कितनी कई खास इतनी सारी अमाउंट में एसेसरीज भी नहीं लगाई है, बट जितनी भी लगाई है मैं आपको बताता हूँ जिसमें अभी तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फ्यूचर में और एसेसरीज डालेंगे तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी एसेसरीज में डाली है। इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज जो है वो शोरूम से भी ली है मैंने, सो वो भी आपको बताऊंगा। एंड साथ ही साथ हमारे पास जो है वो हमने जब गाड़ी ली थी तब हमने शोरूम से एसेसरीज ली थी, तो उसके साथ भी हमारा बहुत बड़ा सीन या फिर फ्रॉड या फिर कुछ भी बोल सकते आप हो गया था, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बिकॉज वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है एंड स्पेशल में मज़ा आएगा उसको, तो उसके लिए ज़रूर वेट करना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में टोटल ओवरऑल एसेसरीज कौन सी है, उस एसेसरीज को भी मैं इंक्लूड करूँगा। चलिए एक एक करके मैं आपको सारी एसेसरीज गिनाता हूँ। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं, अंदर की वही एसेसरीज जो कि हर इंसान डालता है, वैसे इसमें से काफ़ी सारे एसेसरीज जो है वो डालता ही है जनरली, बट चलिए अभी तो बात करते हैं मैट्स की। तो ये कुछ मैट्स है, अभी इसके नीचे एक और मैट है मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे वाला कंपनी वाला है, जो मतलब कंपनी तो नहीं, बड़ा शोरूम से हमने ख़रीदा था। एंड जो ऊपर है वो मैंने डाला है, उसका भी एक रीज़न है, वो उस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो पहली चीज़ ये मैट डाली है मैंने, चारों है यहाँ पे, पीछे के मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह है। तो पीछे की कुछ इस तरह है, जॉइंट बीच में। तो यही है एक मैट सबसे पहला, अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ। सो गाइस, अभी नेक्स्ट एसेसरीज के लिए हमें डिक्की खोलनी पड़ेंगी, तो डिक्की में है वो नेक्स्ट एसेसरीज जो कि काफ़ी सारे लोग डालते हैं एंड काफ़ी सारे नहीं, बट हम मैंने डाली है। तो नेक्स्ट चीज़, सॉरी ये गंदी हो रही है इसलिए माफ़ करना प्लीज़। तो नेक्स्ट चीज़ है कवर। यस, कार कवर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कार कवर डाला है बिकॉज हमें गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है एंड कवर इज मतलब है ही बोलती है एंड लेना भी होता ही है। तो नेक्स्ट चीज़ एसेसरीज है कवर, ये भी एक एसेसरीज में आता है, ऐसा मत बोलना एसेसरीज में नहीं आता है, डेफिनेटली एसेसरीज में आता है, काफ़ी सारे लोग डालते हैं काफ़ी सारे नहीं। जो नेक्स्ट एसेसरीज है वो है ये विंडो क्रोम किट या फिर विंडो डोर गार्निश जो भी इसको बोलते हैं। ये जो है यहाँ से पूरी कंटिन्यू होती है एंड हाँ यहाँ तक, एंड साथ ही साथ वो साइड में भी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। विंडोज मतलब मिरर से स्टार्ट होती है और भी हमसे लेके इन तक सही दिए है, यहाँ पर भी दिया है तो सही दिखती है मुझे। ये कुछ आसपास कितने की पड़ी वो मैं कभी बाद में बताऊंगा जब काफ़ी सारे एसेसरीज इंस्टॉल करेंगे। ये बस इतना बताता हूँ, ये शोरूम से मैंने डाली थी एंड ठीक ठाक मुझे प्राइस की मिल गई थी, शोरूम से महंगी होती है बट मैंने डाल दी छोड़ो। एंड ये एक ही एसेसरीज जो कि मैंने पूरे गाड़ी में क्रोम की डाली है, बाकी तो कोई एसेसरीज मैंने क्रोम की डाली ही नहीं है। और ये जो है वो मैंने शोरूम से ही डाल दी थी अपनी सेकंड सर्विस के टाइम, तो अगर आपको जानना है इसके बारे में तो सेकंड सर्विस का ब्लॉग वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट एसेसरीज के अगर मैं बारे में बात करूँ तो वो ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ इसलिए बिकॉज इससे हम गाड़ी पोछते हैं एंड डेफिनेटली कहते हैं इससे गाड़ी अच्छी तरीके से इजीली क्लीन होती है एंड नॉट ओनली दैट, ऐसे अगर धुलो धुले नहीं हो भी बट ऐसे इजीली क्लीन हो जाती है। तो ये मैंने परचेस की थी, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, स्पेशली कहा जाता है गाड़ियों के लिए या फिर गाड़ी नहीं नॉट ओनली काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, बट यही है माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने बाय परचेस किया था। काफ़ी सारे आए थे, उसमें से एक निकाल के रखा है गाड़ी में यूज़ करता हूँ। तो ये भी एक नेक्स्ट एसेसरीज है जो कि मैंने यूज़ की है अब तक हाल फिलहाल एंड सही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ सही रहता है, आपको भी मतलब अच्छा रहता है कि हाँ अच्छे क्लॉथ से गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट एसेसरीज है वो है कार की कवर, यहाँ पर गाड़ी के की में, एक मिनट, गाड़ी के की में अगर आप देखोगे तो ये कवर लगा हुआ है, ये रबर का बना हुआ है एंड मैंने जो है वो गाड़ी जब खरीदी थी उसके पहले ऑर्डर करके रख दिया था एंड जब गाड़ी हमने लाई घर पे तो मैंने चढ़ा दिया, तब से ही है ऑलमोस्ट, इसको भी साल भर हो गया होगा। तो सही क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सही लगता है। एक चीज़ है, इससे गाड़ी की चाबी भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, बट एक बार शायद से एक दो बार गिरी है गाड़ी की चाबी तो डर नहीं रहता है कि कुछ अंदर से प्रॉब्लम होगा बिकॉज ये रबर भी है नॉट प्लास्टिक एंड एक बार की को कवर भी दे देता है करके, तो ठीक है कुछ टाइम तक इसको भी यूज़ करेंगे, गाड़ी की अच्छी रहेंगी, वो जो क्रोम का पार्ट है वो गंदा भी नहीं होगा इसके साथ एंड
काफ़ी अच्छा है ये भी, आप इंस्टॉल कर सकते हो आपकी गाड़ी की की पे। मैंने तो शुरुआत से कर दिया था। कवर डालने के बाद कुछ इस तरह दिखती है चाबी, अगर मैं अच्छे तरीके से बताऊँ, इस तरह का है ये कवर, इजीली बैठ जाता है। गाइस नेक्स्ट एसेसरीज जो कि है वो है मड फ्लैप्स, जो कि हर कोई लगाता है, मैंने भी लगाए थे, बट ये जो है वो शोरूम से एसेसरीज के नाम पे ले लिए थे, यहाँ पे है एंड वो भी दोनों साइड है। अब ये जो है वो नेक्स्ट एसेसरीज जो है वो मतलब ऐसी, ये इसको एसेसरीज मानो आप नहीं मानो पता नहीं, छोटी मोटी एसेसरीज है। एक जो है वो ये है, ये जो मैंने विंडो पे अपना नाम वगैरह लिखा है, सब कुछ जो भी है घर वालों की डिमांड पे ही है, सो वॉट एवर दैट इज़, तो ये सब कुछ डाला है, इसको भी एसेसरीज ही मान लो गाड़ी के साथ लगा हुआ है, तो कुछ ये मैंने डाला था, ये तो शोरूम से आया था, शोरूम का नाम जो है। एंड एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो है ये पेन ड्राइव, जो कि पेन ड्राइव लगा था गाने बजाने के लिए एज वी नो, तो इस पर ये डॉल लगा दी थी, सही दिखती है एंड वही छोटी मोटी एसेसरीज है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, बट सोचा आपको दिखा दूँ इसलिए दिखा दिया। तो गाइस कुछ यही था वीडियो, होप आपको पसंद आऊँगा। एसेसरीज जो है वो मैंने इंस्टॉल की है अब तक ये है, एंड कुछ खास मेजर एसेसरीज नहीं मुझे पता है, अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, बट जो है सो है मैंने आपको दिखा दिया। सो गाइस एंड करने का टाइम आ चुका है, यही थी कुछ एसेसरीज, होप आपको पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।